कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है। पूरा मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग का है, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, जिसे आम भाषा में आप लोग AI कहते हैं, इस कंपनी की महिला CEO ने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। महिला बेटे के शव को बाग में लेकर गोवा से कर्नाटक जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला के पास बच्चे की लाश बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला सूचना सेठ की शादी 2010 में हुई, 2019 में उसका बेटा पैदा हुआ और 2020 में उसका अपने पति से विवाद हो गया। मामला कोर्ट में चला गया, जिसके बाद दोनों ने तलाक भी ले लिया। अब कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे के पिता अपने बच्चे से रविवार को मिल सकते हैं। अब कोर्ट के बाद जो महिला है वो प्रेशर में आ गई। वो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले, इसलिए उसने पूरा प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत आरोपी महिला शनिवार को बेटे को साथ लेकर गोवा चली गई, होटल में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। महिला का ये कहना था या सोचना था कि उसका पति बेटे से ना मिल सके, इसलिए उसने बेटे को ही खत्म कर दिया। क्या एक माँ अपने जिगर के टुकड़े के साथ ऐसा कर सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल गोवा के जिस होटल में महिला रुकी थी, वहां वो अपने 4 साल के बच्चे को भी लेकर साथ गई। जब महिला होटल छोड़कर निकलने लगी तो बच्चा उसके साथ नहीं था। अब महिला को अकेले जाते देख होटल स्टाफ ने उसके बच्चे के बारे में पूछा तो महिला ने बहाना बना दिया कि वो पहले उसे घर भेज चुकी है। महिला के होटल से निकलने के बाद जब होटल स्टाफ ने उसका कमरा चेक किया तो वहां उन्हें खून के धब्बे मिल गए। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को दी। अब होटल से संगीन वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। पुलिस ने उस टैक्सी चालक को फोन किया जो महिला को होटल से लेकर गया था। टैक्सी चालक लोकल था, इसलिए पुलिस को उसका नंबर ढूंढने में भी ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। टैक्सी वाले ने पुलिस को बताया कि महिला टैक्सी में अकेली है। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी चालक से कहा कि वो जहां पर भी है फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाकर महिला को उनके हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक टैक्सी चालक ने महिला को नजदीकी पुलिस स्टेशन से ले जाकर गिरफ्तार करा दिया। ये पुलिस स्टेशन कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में था। बाद में गोवा पुलिस ने चित्रदुर्ग पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने इस वारदात को अंजाम गोवा के कैंडोलिम में दिया। पुलिस की माने तो बेटे की हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। गोवा क्राइम SP इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के बाद ये पता चला है कि महज सिर्फ इसलिए कि पति बेटे से नाम मिल सके, इसलिए बेटी को ही खत्म कर दिया। क्या ये इंसाफ था? क्या एक मासूम को अपने गुस्से की बलि चढ़ा देना सही था? एक माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन यहाँ पर एक AI कंपनी की CEO ने ऐसा कर दिया।